लुका का 11 अध्याय पढ़ेंगे आज। पहले वचन से पढ़ते हैं। चेलों को प्रार्थना करना सिखाना। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा। पांचवें वचन से पढ़ते आगे। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। यहाँ पर आपको 5 वचन से लेकर बॉक्स करना है 13 के अंत तक। यहाँ पर आपके जो आपका शारीरिक जीवन है, यानी पृथ्वी के व्यवहारों का जो जीवन है, उसमें कमी घटियाँ होती रहती है। उसमें कुछ चीज़ें हमको हमारे पास रहती है, कुछ चीज़ें नहीं रहती है, और हम उसके बिना ही जीने के लिए शुरू करते हैं, या फिर हम इस तरह से जीते हैं कि हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते या पाप करने पर मजबूर हो जाते हैं। ओके, झूठ बोलकर कुछ ले लेते हैं, या धोखाधड़ी करके हम कुछ ले लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के लिए जो प्रोविजन होना चाहिए था, वो जो हमारे लिए होना चाहिए था, ज़रूरत पूरी होना, वो यहोवा परमेश्वर से होना चाहिए था, लेकिन पाप करने की वजह से हमको अदन बगीचे से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके कारण हमारी ज़रूरतें अब हम अपने दिलो दिमाग को यूज़ करके हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते जा रहे हैं। ओके, और हम परमेश्वर की दया को देख नहीं पा रहे हैं कि हम उसके दया के कारण प्राप्त किए जा रहे हैं। इसकी वजह से हमारे अंदर कोई कमी घटी हो जाती है तो हम पाप का रास्ता पकड़ लेते हैं। हमारे मांस और लहू के अंदर जो रास्ते मिलते हैं वो पाप के रास्ते हैं, वो परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता के रास्ते हैं, बिना भय परमेश्वर के बिना चलने वाले रास्ते हैं। ओके, तो वहाँ से हम फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने चलते हैं। तो ये कारण से यहाँ पर ये प्रार्थना का इम्पोर्टेंस दिया गया है कि अगर आप लोग पाप के रास्ते, लहू और मांस के प्रकाशन के आधार पर ना चलते हुए, अगर आपके सारी ज़रूरतें आप परमेश्वर के पास कहोगे, तो परमेश्वर आपके उस बात को, चाहे परमेश्वर के पास आपको देने का मन नहीं है, फिर भी आपने ढिठाई करके परमेश्वर से मांगा है, आपके शरीर की ज़रूरतों को आपने मांगा है, पृथ्वी के जो व्यवहार है उसके अंदर से कुछ मांगा है, तो वो आपको ज़रूर देगा। ओके, और वो आवश्यकता है इसके लिए, उसकी ज़रूरत वेरी जेन्युइन ज़रूरत है। उसके पास मित्र आया है
और उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है और वो परोसना चाहता है, रोटी देना चाहता है, लेकिन वो नहीं है। इसके कारण से वो मित्र के पास आता है, ओके, और वो अपनी ज़रूरत को बोलता है। तो हम वेरी जेन्युइन जो ज़रूरतें हैं जीवन की, उसको हम पाप के रास्ते से पूरा करने की बजाय हम अगर परमेश्वर के पास उसको लेकर आएंगे, तो भले ही परमेश्वर के माइंड में हमको ना देने का मन रहेगा, फिर भी केवल हमने मांगा है इसकी वजह से वो हमको उठकर हमारी मांग को वो पूरा करेगा। ये इसमें सीक्रेट रहस्य खुलता है, ओके। और उसने गारंटी क्या दिया है? अगर मांस और लहू में जो पिता रहता है, मांस और लहू कभी भी बिना कपट नहीं है, ओके, वो कपट से भरी हुई है मांस और लहू। अगर मांस और लहू के अंदर कपट होते हुए भी कोई पिता अपने बेटे को, अपने बच्चे को मांगता है, वो देता है, अच्छी चीज़ें देता है, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्ग का परमेश्वर हूँ, तो मैं तुमको कितना अच्छा चीज़ें दे सकता हूँ। तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? आपको ये सीक्रेट समझना है। यहाँ पर 13 को लिखा है, जब आप पृथ्वी के व्यवहारों की बातें करते हैं तो परमेश्वर पवित्र आत्मा की बात करता है। पृथ्वी के व्यवहार में क्या एग्जाम्पल बताया? कि एक इंसान के घर में उसका मित्र आ गया, खाने के लिए रोटी नहीं थी, तो वो इंसान अपने मित्र के पास गया और वहाँ से उसने रोटी को मांग कर लाने की योजना करके चला गया, मांगा उसने, और वो देना नहीं चाहता था, फिर भी उठकर उसने दिया, ऐसा वो लिखा गया है। और उसके आगे पिता के बारे में लिखा है कि अगर पृथ्वी का पिता अगर जो मांस और लहू के कपट में होते हुए भी अपने बच्चों को सही चीज़ें देना जानता है, ओके, तो हम यहाँ तक 12 वचन तक हम क्या देखते हैं? वस्तुओं की बातें देखते हैं, जो हमारे पृथ्वी के व्यवहार की बातों में हमको ज़रूरतें लगती है, उन चीज़ों के विषय हम यहाँ 5 से 12 तक पढ़ते हैं। लेकिन 13 वचन में परमेश्वर क्या कहता है वस्तुओं को देने के बारे में? वो कहता है, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा? तो ये है वो यहोवा हमारा चरवाहा है, ओके, और हमें कोई घटी ना होगी। हमारी हर घटी, अगर आपको रोटी की कमी है, तो आप अगर परमेश्वर से मांगेंगे तो वो क्या देगा आपको? पवित्र आत्मा देगा। आपको रोटियां नहीं देगा, वो पवित्र आत्मा देगा, जो आपको रोटियों के भंडार आपके लिए खोल देगा, ओके? तो हमको पृथ्वी के ऊपर सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सब कुछ, अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे। लेकिन परमेश्वर क्या देगा? पवित्र आत्मा देगा, और पवित्र आत्मा हमको वो सब कुछ रास्ते में लेकर आएगा जो हमने मांगा है, ज़रूरत है हमारी, ठीक है? तो एक पवित्र आत्मा और हमारी सारे पृथ्वी की ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। ये गारंटेडली सैम्स 23 जो है वो पूरा करने वाला वचन है, ओके, जो पहला वचन है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, ओके। और यीशु मसीह भी कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ जो अपने भेड़ के लिए प्राण तक दे दिया है, ठीक है? यीशु और बालजबुल के बारे में पढ़ते हैं आगे, 14 वचन से आगे। फिर उसने एक गूंगी दुष्टात्मा को निकाला, जब दुष्टात्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों को अचंभा हुआ, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह तो बालजबुल नामक दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। अगर हम लोगों को भी देखा जाएगा तो हम लोगों को भी दुष्ट आत्मा निकालने के विषय में पुराने नियम में हम कहीं नहीं पढ़ते हैं कि किसी ने दुष्ट आत्मा निकालने के लिए ऐसे कुछ काम किए जो यीशु ने किए हैं, ओके। यहूदी लोगों का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर ने ही यीशु मसीह को भेजा है, और यीशु मसीह नए नियम में दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। जो यहोवा से आया हुआ यीशु मसीह है वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, और यहोवा के लोग जो थे
इज़राइल पुराने नियम में यहूदी वो लोग दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालते थे। ओके, तो इसका मतलब क्या बन जाता है कि दुष्ट आत्माओं को अगर निकालना है तो यहूदियों को इतना ही मालूम है दुष्ट आत्माओं के अंदर कैटेगरी होती है। जैसे एक छोटा बच्चा है तो स्कूल में जाएगा तो उसके ऊपर अधिकारी कौन रहता है? टीचर। ओके, टीचर के ऊपर अधिकारी कौन रहता है? प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल के ऊपर अधिकारी कौन होता है? जो स्कूल का मालिक होगा। ओके, इस तरह से लेवल रहता है दुष्ट आत्माओं के जगत में, शैतान के जगत में। तो उसके नाम को क्या लिखा है? बाल जबुल। शैतान को नाम क्या दिया है? बाल जबुल। ओके, तो बाल जबुल नामक जो है उनके अंदर अगर एक छोटा बच्चा मिस्चिफ करेगा तो स्कूल के ओनर को, मालिक को जाके हम नहीं बोलते हैं, वो छोटे बच्चे की शरारत को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर अधिकारी कौन है? टीचर। तो टीचर को हम बोल सकते हैं और टीचर वो शरारती बच्चे को शांत कर देगी। ओके, अगर टीचर ने कुछ गलती की तो वो बच्चे को जाकर नहीं बोलेंगे, हम उनके स्टूडेंट्स को जाके नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अधिकार नहीं है स्टूडेंट्स को कि टीचर को वो सही करें। तो टीचर को कौन सही कर सकता है? प्रिंसिपल। तो अगर आपको टीचर से परेशानी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? प्रिंसिपल के पास। अगर प्रिंसिपल से परेशानी है तो आप टीचर के पास और स्टूडेंट के पास जाके अपनी कंप्लेंट नहीं दोगे, आप किसको देंगे? ओनर को, जो स्कूल का ओनर है। ओके, और स्कूल के ओनर को जाके देने से प्रिंसिपल का बंदोबस्त हो जाता है। और अगर स्कूल का ओनर कुछ गलती करता है तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं, स्कूल का ओनर ही खुद मालिक है स्कूल का, तो आप कहाँ जाएंगे उसको छोड़कर? आप किसको कंप्लेंट करेंगे उसके बारे में? ओके, तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही नाम आ जाता है, वो है यीशु मसीह। ठीक है, तो हम सबसे ऊंचे स्तर पर हमारा लेवल है, सारे आत्माओं के क्षेत्र में सबसे ऊंचा स्थान यीशु मसीह का है। सब कुछ कुछ भी किसी से नहीं हुआ। ओके, शैतान के सारे लेवल्स क्रॉस हो गए और फिर शैतान को पनिशमेंट करना है। अब शैतान के ऊपर कोई पनिश करने के लिए नहीं है, तो शैतान को पनिश करना है तो हमारे पास वो अधिकार है यीशु मसीह। ओके, परमेश्वर ने शैतान को पनिशमेंट दिया है और शैतान को पनिशमेंट देने का अधिकार यीशु मसीह ने हमको दिया है। ओके, तो वो अधिकार से हम शैतान को पनिश कर सकते हैं, जैसा स्कूल के मालिक को हम पनिश करना हमारे हाथ में होगा जो हम यीशु मसीह के चेले हैं। आया समझ में? तो इस तरह से वो जो यहूदी लोग हैं वो लोग ये जानते थे कि जो अन्य जाति के लोग हैं उनके यहाँ पर जादू टोना सब कुछ होता था, उनके यहाँ पे मरे हुए लोगों से बातें किए जाते थे। आप अगर पुराना नियम पढ़ेंगे उसमें बहुत कुछ जो शैतान के जगत में होता है वो बहुत कुछ वहाँ पर लिखा गया है वचन में। ओके, और यहूदी को उन ये सब चीज़ें नहीं करना ऐसे बोला गया है। ओके, और परमेश्वर ऐसे चीज़ों से नफरत करता है, ये पुराने नियम में लिखा गया है। इसके लिए हमको पता चलता है कि शैतान और शैतान के राज्य में क्या क्या होता है और लोग शैतान के राज्य में क्या क्या करते हैं। इसके लिए शैतान का कोई ऐसी बात नहीं है जो हमको मालूम नहीं है। अगर आप पुराना नियम ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दोनों तरफ पता चलेगा, शैतान, शैतान के राज्य और शैतान की आत्माएं और शैतान को नमन करने वाले लोग, ये पूरा ग्रुप क्या करता था और यहोवा उनके साथ कैसा बर्ताव करता था और फिर यहोवा यहूदियों को उनके बारे में कैसे अलग रखता था। ठीक है, ये तरह से हमको पुराने नियम में यहोवा सबसे ऊंचा परमेश्वर है, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है और उसकी जाति को पवित्र जाति कहा गया है और बाकी सब जो ये बाल जबुल शैतान के पीछे चलने वाले हैं, अन्य जातियां हैं, उसको परमेश्वर नहीं मानता है, वो अशुद्ध जाति कहता है, उसमें वो अपने नाम को नहीं देता है। ओके, वो कहता है मैं यहोवा परमेश्वर हूँ उन लोगों का जिनको मैंने मेरी प्रजा ठहराया है। वो प्रजा कौन है? इज़राइल, जो अब्राहम के वंश से इज़राइल उत्पन्न हुआ, याकूब उसका नाम था, वो याकूब का नाम बाद में इज़राइल कर दिया गया,
उसका मैं परमेश्वर हूँ, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, अब्राहम का बेटा इसहाक था, इसहाक का मैं परमेश्वर हूँ, और इसहाक का बेटा याकूब था, याकूब का मैं परमेश्वर हूँ, ऐसा वो कहता है। और याकूब का नाम बदली होकर इसराइल हुआ, तो अब हम बोलते हैं इसराइल का परमेश्वर। आया समझ में? तो हमारे पास शैतान के कोई लेवल से डरने की ज़रूरत नहीं है, शैतान के कोई स्टेजस से हमको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शैतान का स्टेज जो शुरू होता है वो छोटे बच्चे से शुरू होता है। ओके, मतलब उसका लेवल मैं बता रही हूँ, छोटे बच्चे का जो अवस्था रहता है उस तरह की दुष्ट आत्माएं, फिर उसके ऊपर टीचर का जो लेवल रहता है वो अलग लेवल की दुष्ट आत्माएं, फिर टीचर के ऊपर प्रिंसिपल का जो लेवल रहता है वो अलग लेवल की दुष्ट आत्माएं, प्रिंसिपल के ऊपर जो ओवनर, स्कूल का ओवनर यानी शैतान खुद, ओके, तो उसका वो खुद, ओके, तो उसका एक लेवल, तो उसके ऊपर एक लेवल जो है वो हम लोग हैं। यानी हम इसीलिए कहते हैं कि यीशु ने शैतान के सिर को कुचल दिया है, यानी उसके अधिकार को कुचल दिया है, उसको क्या कर दिया, उसके सर को कुचल दिया है, उसके उसके अधिकार को, उसकी सत्ता को कुचल दिया है, उसकी प्रधानता को कुचल दिया है। ओके, अगर आप ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे और सब बाकी पैसेंजर्स अगर पैसेंजर सीट्स पर बैठे हैं, तो ड्राइविंग सीट वाला इम्पोर्टेंट रहता है कि पैसेंजर वाला, ड्राइविंग सीट वाला, ओके, क्योंकि अभी उसके हाथ में कंट्रोल है, वो कहाँ पर लेकर जाएगा, हम कुछ भी बोले लेकिन वो हमारी सुनना चाहिए, ओके, तो अगर उसने नहीं सुना तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, वो ड्राइविंग कर रहा है, उसको पता है, वो उसकी ही तरह से लेकर जाएगा। तो ये शैतान का अधिकार था मनुष्य के ऊपर, ओके, और ये अधिकार अब क्या किया है, यीशु मसीह ने खत्म कर दिया है, कुचल दिया है, रखा ही नहीं है। इसके लिए अब बोला जाता है कि शैतान को सर ही नहीं है, वो पूंछ से काम करता है। पूंछ क्या है? पूंछ लल्लू पंजू बन के पीछे 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 दौड़ते रहती है, ओके, वो अधिकार नहीं कर सकती है किसी के ऊपर, ड्राइविंग सीट के ऊपर वो बैठ नहीं सकती है, उसको हटा दिया है मनुष्य के ड्राइविंग सीट से, उसको हटा दिया है, ओके, फिर अब कौन है ड्राइविंग सीट के ऊपर? यीशु मसीह है, ओके, इसके लिए यीशु मसीह कहता है कि अब मैं मनुष्यों को मेरे पास लेने के लिए आया हूँ, अन्य जातियों को मैं मन फिराओ ये कहने के लिए आया हूँ, और इसराइलों को छुटकारा देने के लिए आया हूँ, ओके। अब ये इसराइल का छुटकारा क्या है, ये आप पुराने नियम में जब जाएंगे तो हम बातें करेंगे उसके विषय में। अभी अन्य जाति का विषय हमारे बीच में हो रहा है, क्योंकि अब हम जो लोग मसीह में आए हैं, हम अन्य जातियों में से आए हुए लोग हैं, तो हमारे लिए क्या लिखा गया है कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, और ये जो बाल जबुल के पीछे तुम लोग चलते आए हैं, दुष्ट आत्माओं की सेवाएं करते आए हैं, और तुम लोग यहोवा के लोग नहीं कहलाए जाते थे, अशुद्ध लोग कहलाए जाते थे, यहूदियों को तुम लोगों से अलग रखा जाता था, यहूदियों का परमेश्वर यहोवा था, तुम्हारा नहीं है वो परमेश्वर, लेकिन अब क्या करो, अगर पश्चाताप करोगे, पापों की माफ़ी मांगोगे कि हम परमेश्वर, जो आदम और हवा का पाप है वो हमारे अंदर है, और उस पाप से अब हम तौबा करते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं, अब हमको अपने पास ले ले, तो वो ले लेगा, यीशु मसीह ने वो रास्ता खोला है पश्चाताप का, और फिर हम परमेश्वर के लोग ठहराए जाएंगे। तो यीशु मसीह ने क्रूस का बलिदान जो दिया, वो बलिदान खून का बलिदान किया गया है, और ये खून का बलिदान और यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया है, जो ये दो चीज़ें मांस और लहू के विषय में है, जिसके अंदर से पाप हुआ है, ओके, मांस और लहू पाप करवाता है, ठीक है, और यीशु मसीह ने मांस और लहू का बलिदान दे दिया है, ठीक है, मांस को टूटने दिया है और लहू को बहने दिया है, ठीक है, और ये सब जो है पाप का बलिदान कहते हैं इसको, ये पाप का बलिदान को हम पुराने नियम को जब पढ़ेंगे तब हमको पढ़ने को मिलेगा पाप का बलिदान क्या होता था, कैसे होता था, और वो बलिदान हमारा यीशु मसीह ने किया है। उसके बाद और भी ज़्यादा बलिदानों के विषय लिखा है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे,
और ये दूसरे बलिदान भी जो है वो भी यीशु मसीह ने पूरा किया है। तो वो कहता है मैं पुराने नियम को खत्म करने नहीं आया हूँ, ऐसे नहीं कि बस अब भूल जाओ वो सब, नहीं पुराने नियम चलते आ रहे। यीशु का जन्म हुआ, यीशु को भी पुराने नियम की अवस्था में ही उसके जन्म की सारी रीति रिवाजें पूरी करनी पड़ी, ओके। और उसको वो रीति रिवाजों के बाद में यूहन्ना बपतिस्मा से भी बपतिस्मा लेना पड़ा, यानी पुराने नियम से ही चलकर आना पड़ा उसको, फिर उसको नए नियम में प्रवेश करना पड़ा, पानी का बपतिस्मा में प्रवेश करना पड़ा। और उसने कहा इसी में से धार्मिकता पूरी हो जाती है, यानी फिर वहाँ क्या हो जाता है, नया नियम शुरू हो जाता है, हम नए नियम में शुरू हो जाते हैं पानी का बपतिस्मा लेने वाले लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी धार्मिकता जो पुराने नियम से यहूदियों के लिए होती थी वो खत्म हो जाती है, वो खत्म मतलब उसको कंप्लीट किया गया, उसको फुल किया गया, अब वो फुल स्टॉप हो रहा है, अब आगे क्या शुरू हो रहा है, नया नियम शुरू हो रहा है, नया वाचा शुरू हो रहा है, ओके। पुरानी वाचा खत्म हो गई, अब नया वाचा शुरू हो रहा है। ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है, आप जब ये रहस्य की बातों को अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि सच में आपको आपको पता लगने लगेगा कि क्या सामर्थ्य लोग हैं परमेश्वर के, यहोवा परमेश्वर के लोग जो यीशु मसीह के कारण यहोवा के राज्य में आए हैं, कितने जबरदस्त सामर्थ्य लोग हैं हम, ओके। और हम जब अब अगले मैं ये सफ़र ख़त्म करने के बाद में जब मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ ऐसे ऐसे एरिया ऑफ लाइफ में से आपको बाहर निकलने का रास्ता मिलने वाला है, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं इसके आधार से हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के नज़दीक जा रहे हैं, ओके। और हमारे अंदर का मांस और लहू का जो डर है, शर्म है, दोष भावना है, ओके, और हमारी मर गई हुई विवेक बुद्धि थी, वो ये सारे मरे हुए काम जिसको कहते हैं, वो सब से हम छुटकारा लेकर फिर हम एक सामर्थ्य को यूज करना शुरू करेंगे। आपको तब पता चलेगा कि अब ये रास्ता है जो मुझे उद्धार के बाद यूज करना चाहिए था, ओके। और बहुत साल हो गए या बहुत दिन हो गए उद्धार में आए और आपको ये मालूम ही नहीं था ऐसे हमको आगे बढ़ना था, ओके। तो ये एक अलग लेवल में लेकर जा रहा है आपको, ठीक है। और वहाँ पर फिर आपका जो मन है वो कच्चा नहीं होना चाहिए परिस्थितियों को देखकर, वहाँ पर आपका मन योद्धा की तरह खड़े होना है, वहाँ पर आपका मन अच्छे किसान की तरह खड़े हो जाना है, वहाँ पर आपका मन अच्छे जो खिलाड़ी होते हैं स्पोर्ट्समैन, ओके, एथलीट, उसकी तरह आप तैयार हो जाना है, ठीक है। क्योंकि ये सब कुछ आप मांस और लहू में नहीं बन सकते हैं, मांस और लहू आपको हमेशा दुविधाओं में डालता जाएगा, ना घर के ना घाट के, ओके, यानी ना बाइबल वाले लोग और ना बिना बाइबल वाले लोग, ऐसे आप बीच में ही डगमगाते रहेंगे, ना इधर के ना वहाँ के, ना पूरे बाइबल की ओर ना पूरे दुनिया की ओर, ओके, मिक्सचर लाइफ में चलते रहेंगे। इसके लिए आपको उसमें से अभी बाहर निकलने का समय आ चुका है। आगे पढ़ते हैं 16 वचन, औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा, परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है और जिस घर में फूट होती है वह नष्ट हो जाता है। ये 17 को आप बॉक्स कर देना, ठीक है। देखो ये लेवल है, अगर समझो छोटा बच्चा है स्कूल में, ओके, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन है, उसके ऊपर अधिकारी टीचर है। अगर ये छोटे बच्चे ने शरारत की तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करना चाहिए, टीचर। अगर वो छोटा बच्चा कंट्रोल में नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, वो टीचर का डर उसके अंदर नहीं है, ओके, टीचर के पनिशमेंट्स का उसको पता नहीं है,
उसको स्कूल से हटा दिया जाएगा और उसको कोई स्कूल में जगह नहीं मिलेगी, ये वो नहीं जानता है, इससे अनजान है वो। ओके, तो शैतान के राज्य में कोई भी दुष्ट आत्मा अनजान नहीं है उनके पनिशमेंट से। ओके, मतलब शैतान के रूल्स एंड रेगुलेशन से अनजान नहीं है। ओके, तो वो छोटा बच्चा जो है वो टीचर का सुनना पड़ेगा, टीचर को प्रिंसिपल का सुनना पड़ेगा, प्रिंसिपल को स्कूल के मालिक का सुनना पड़ेगा। अगर ये एक दूसरे का सुनना छोड़ देंगे तो इसका मतलब है उनकी यूनिटी टूट गई है। अगर उनकी यूनिटी टूट गई है, इसका मतलब क्या बन जाता है, अभी उनके लिए कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके, फिर वो शैतान कितना भी चिल्लाए चीखे कि अरे ये टीचर का सुनो, प्रिंसिपल का सुनो, कुछ भी करो, लेकिन नहीं, सब एक दूसरे के खिलाफ ही करते जाएंगे। जो बाबेल के टावर में परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने बाबेल के टावर में लोगों को स्कैटर कर दिया, उनकी भाषाओं को गड़बड़ियों में डाल दिया और उनको बाबेल का टावर करने से रोक दिया। ओके, तो हर तरफ से हम लोगों को शैतान के राज्य क्यों चलता है, इसका सीक्रेट यहाँ पर है। क्योंकि छोटा बच्चा जैसा जो शैतान की आत्माएं हैं, वो टीचर वाले लेवल का जो शैतान की आत्माएं हैं उनका सुनती है। ओके, इसके लिए जादू टोना करने वाले लोग, अगर छोटी छोटे दुष्ट आत्माएं हैं तो लोग उनके पास जाते हैं, तो वो लोग पैसे लेते हैं उनको, उन छोटी छोटी दुष्ट आत्माओं को। ऊपर के अधिकार में ये जादू टोना वाले लोग रहते हैं, टीचर के लेवल में, कोई प्रिंसिपल के लेवल में रहता है, कोई बस ऐसे मतलब लेवल लेवल में रहता है। तो हर तरफ से लोग जादू टोना के लेवल को देख कर जाते हैं। ठीक है, कोई बाबा के पास, कोई मांत्रिक के पास कैसे जाते हैं, उनके लेवल को देख कर जाते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम छोटे बच्चों की तरह है तो फिर उसके ऊपर वाला लेवल टीचर का है, तो वो टीचर वाले लेवल में जो हकीम रहेगा, जो दुष्ट आत्मा को चलाने वाला रहेगा, जादू टोना वाला रहेगा, उसके पास जाते हैं। फिर वो दुष्ट आत्मा वाला क्या करेगा, जादू टोना वाला, ये बच्चों के लेवल वाला जो रहता है दुष्ट आत्मा, उसको वो कमांड करेगा, वो कमांड करेगा और बोलेगा अब इधर से निकल और दूसरे जगह जा, तेरे को क्या चाहिए वो तू दूसरे जगह जाके कर। फिर ये लोगों को बोलेंगे देखो उसको ये सब दे दो तो वो वहां से निकल जाएगा। ओके, आया समझ में कैसे उनका राज्य चलता है। इसके लिए हम लोगों को ये ध्यान रखना है, और ये जो ये दो वो दो ये सब होता रहता है उनके बीच में, तो ये सब शैतान ने लगाया हुआ रूल्स एंड रेगुलेशन से। अगर तुमने ये दिया तो वो दुष्ट आत्मा वहां से जाएगा, अगर नहीं दिया तो वो दुष्ट आत्मा वहीं पर रुकेगा, उसको कोई निकालने का नहीं। रूल्स एंड रेगुलेशन दिया, ये सारा रूल्स भी आप देखेंगे ना तो बाइबल में है। ओके, और शैतान ने उसको सिर्फ कॉपी कर लिया है। क्या किया है उसने, परमेश्वर क्या कहता है, आज्ञाकारिता हो जाओ, मैं परमेश्वर यहोवा जो कहूंगा उसको मानो। आदम और हवा को यही कहा था उसने, जीवन के वृक्ष का फल है और ज्ञान का, जो भले और बुरे ज्ञान का फल है वो एक वृक्ष है। ठीक है, तो उसने क्या कहा, जो मैं कहता हूँ वो ध्यान से सुनना है, क्या क्या कहता हूँ मैं, कि भले और बुरे ज्ञान के फल का फल को नहीं खाना, जिस दिन खाओगे उस दिन निश्चित मर जाओगे। ओके, अब ये जगह ऐसा था कि शैतान ने आकर हवा से क्या बोला कि नहीं, तुम लोग निश्चित मरने वाले नहीं है, लेकिन तुम लोग परमेश्वर जैसा एक बन जाएंगे। ओके, तो शैतान हमेशा क्या करेगा पता है, जिस दिशाओं में परमेश्वर कहता है मत जाओ, वही दिशाएं शैतान यूज करता है लोगों को उस दिशाओं में लेकर जाने के लिए, और जो उसकी दिशाओं के ऊपर चल पड़ते हैं वो शैतान के राज्य में खो जाते हैं। ओके, और फिर परमेश्वर ने क्या किया, आदम और हवा को बाहर निकाल दिया। ठीक है, और बाहर निकालने के बाद में परमेश्वर ने क्या देखा कि अब इनकी बुद्धि शुरू हो चुकी है भले और बुरे ज्ञान की, मेरे जैसे ही ये अभी अपने अपने निर्णय खुद लेने वाले हैं।
अगर भला लगेगा वो करेंगे, बुरा लगेगा नहीं करेंगे, भला भी चाहिए बुरा भी चाहिए तो दोनों करेंगे। मतलब उसने नोहा के समय क्या कर दिया, फिर सीधा पानी के नीचे सबको खत्म कर दिया। यानी वो बुद्धि जो शुरू हुई थी वो परमेश्वर नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको बंद नहीं किया, उसको बढ़ने दिया, जाओ बढ़ो। ओके, और क्या हो गया, एक दिन वो सब पानी के नीचे खत्म कर दिया। और फिर नोहा ने जब पानी से, पानी के बाढ़ में से बचकर जब उसको पृथ्वी के ऊपर उतारा गया, तब उसने बलिदान किया, वो बहुत ही अच्छा लगा परमेश्वर को। और वो जगह पर परमेश्वर दोबारा प्रॉमिस लेता है, दोबारा एक वाचा बनता है कि मनुष्य के हृदय में, मनुष्य की सोचों में लड़कपन से ही बुराइयां हैं। ओके, तो इसकी वजह से अब मैं वो नोहा के समय जैसा दोबारा पनिशमेंट नहीं करूंगा। यानी परमेश्वर फिर क्या बन गया, मंद क्रोधी बन गया। अभी इसके लिए पाप को हम देखते हैं, पाप कहाँ से उपजता है, मांस और लहू में जो अभी पड़ा हुआ बुराइयों का ज्ञान है, भले और बुरे का ज्ञान, उसमें से पाप को रास्ते मिल रहे हैं। और उसमें वो रास्ते नहीं चलना परमेश्वर ने कहा है, प्रोवर्ब्स के नीति वचन के 3 अध्याय में 6-7 वचन पढ़ेंगे, वहां पे दिया है अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, अपने बुद्धि के ऊपर तो अपना मन नहीं रखना। ओके, अपने समझ का सहारा नहीं लेना, लेकिन जो कुछ चाहिए वो परमेश्वर के सामने रख, और परमेश्वर क्या करेगा, उसका रास्ता बना के देगा और सफल करेगा। प्रोवर्ब्स के नीति वचन के 16:3 में भी वही लिखा है, तेरे सारे मार्ग परमेश्वर को सौंप तो वो मार्ग तैयार करेगा और तेरे सारी कार्यों को, बातों को सफल करेगा। ओके, तो मांस और लहू अब अशुद्ध हो चुका है, अपवित्र हो चुका है। इसकी वजह से शैतान का राज्य किस पर चलता है, मांस और लहू में। ठीक है, अगर आप देखेंगे शैतान के राज्य के काम करने वाले लोगों को, वो सब कुछ मांस और लहू के ही दायरे में आपको फंसा के रखने की कोशिश करते हैं, मसीहियों को, क्योंकि आत्मा का क्षेत्र तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है। इसके लिए मांस और लहू का क्षेत्र में पाप का बीज है, वो जानता है, उसको क्या करना है, सिर्फ उकसाना है। कैसे उकसाना है, धीरे 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 उसके पाप के रास्ते उसको देते रहना, देते रहना, देते रहना, फिर धीरे 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 उसकी आदतें बढ़ जाएगी पाप की, और उसकी लालसाएं बढ़ जाएगी, और अगर वो लालसाएं नहीं बढ़ रही है तो दुष्ट आत्माओं से उनकी लालसाएं बढ़ाएगा, और वो बढ़ाते बढ़ाते इंसान को वो अशुद्धता में लेकर आएगा। अशुद्धता में इंसान का मांस और लहू चला जाता है तो पवित्र आत्मा का काम, जो शरीर प्राण में से बहना चाहिए, वो ब्लॉक होने लगता है, धीमा पड़ जाता है, ठंडा पड़ने लगता है, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्रता के माहौल में काम करता है, अशुद्धता के नहीं। ठीक है, और हम अपने मर्जी से शिकार हो जाते हैं शैतान के कामों के। ठीक है, तो ये जादू टोना वालों का इस तरह से चलता है। इसके लिए आप अगर पुराना नियम पढ़ेंगे तो आपको उसमें दिखाई देगा शैतान सब कुछ जो परमेश्वर कहता है नहीं करना, सब कुछ वो शैतान का राज्य में यूज किया जाता है, सब कुछ यूज किया जाता है। ओके, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है नहीं करना, शैतान ने उसी को उठाया है और मनुष्यों के सामने फेंका है, और वो मनुष्य वही कर रहा है जो परमेश्वर ने कहा है नहीं करना, वो है शैतान का राज्य। ओके, इसके लिए वचन में और आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें लिखा है अनाज्ञाकारिता के संतान। ओके, और आज्ञाकारिता के संतान, हम जो मसीह में आ चुके हैं ये आज्ञाकारिता के लोग, और जो मसीह में नहीं है वो शैतान के जगत के है, उनको कहा गया है अनाज्ञाकारिता के संतान। ठीक है, तो अब बहुत अच्छे से आपको समझ में आया, आप कभी नहीं डरना है दुष्ट आत्माओं के लेवल से। आपको पता है दुष्ट आत्माओं के सब लेवल के बाद सबसे ऊंचा लेवल किसका है उनके राज्य में, शैतान। तो शैतान से ऊपर वाला राज्य किसका है, परमेश्वर का। ओके, और परमेश्वर के राज्य के हम लोग हैं, तो हम शैतान से भी ऊपर चढ़े हुए लोग हैं। ठीक है, इसके लिए हम बोलते हैं शैतान कहाँ है, हमारे पैरों के नीचे है।
ओके तो शैतान के ऊपर पैर है, तो इसके सारे लेवल्स के ऊपर हमारे पैर बैठ गया है, दब गया है वो लोग सब जन है ना। लेकिन वो क्या करता है, अपनी ढिठाई दिखाता है, क्योंकि हमारे अंदर अज्ञानता है, हमारे अंदर मांस और लहू है जो हमें कभी डराता है, जो हमें कभी डाउट कराता है, जो हमें कभी गड़बड़ियों में फंसा देता है, जो हमें कभी अशुद्धता की ओर खींच लेता है। ये सब कारण से शैतान की आत्माएं हमको तंग कर सकती है, लेकिन उसका अधिकार कुछ नहीं है हमारे ऊपर। अगर हम इसे समझ जाएंगे तो वो कभी भी आपके ऊपर दबाव नहीं डाल पाएगा, वो कोशिशें करेगा और फेल होता जाएगा। ठीक है, मैं आगे और भी बात करूंगी इसके विषय में, लेकिन अभी हम अध्याय को पूरा करते हुए जाएंगे, क्योंकि इसके विषय में जब बात करने शुरू करते हैं तो हम चाहते हैं कि आप अज्ञान ना रहे, तो हम बोलते ही जाएंगे, लेकिन फिर हमारे आगे के अध्याय रुक रुक जाएंगे। ओके, इसके लिए हम आगे पढ़ते हैं 16 वचन। औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उसके उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा। 17 वचन, परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह नष्ट हो जाता है। बहुत ही जबरदस्त वचन है। इसके लिए आप देखना, चर्चेस चर्चेस के अंदर हमेशा शैतान क्या करता है, फूट डालता है, क्योंकि जहां फूट हो जाता है वहां पर वो चर्च खड़ा नहीं हो पाता है, वो चर्च की उन्नति नहीं हो पाती है, वो चर्च की ताकत खत्म होने लगती है। आप घर के अंदर भी देखना, फैमिली डिस्टरबेंसेस लगाता है शैतान। ओके, इसके लिए हम कोशिश करने के लिए कहा है। अगर आप पौलुस की पत्रियों को अभी पढ़ने लगेंगे तब मैं आपको याद दिलाऊंगी ये बात को। वहां पर लिखा है कि हमको शांति का पीछा करने वाले बनना है। ओके, हमको फूट पड़ने नहीं देना है। और इतना जबरदस्त खेलता है शैतान कि हम एकदम हैरान हो जाते हैं कि हम कितना शांति का पीछा करें, क्योंकि हमारे ही घर के लोग अशांति कर रहे हैं। आप शांति का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए जोर लगा रहे हैं, और हमारे घर के लोग अशांति में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उलट पुलट कर देते हैं, कुछ ना कुछ ठोकर लगा देते हैं, कुछ ना कुछ हमारे मन को जख्मी कर देते हैं, कोई ना कोई बातों में हमको फेल कर देते हैं, हमारे ही घर के लोग। ओके, फिर हमारे ही घर के लोगों के साथ हमारे मन के अंदर कड़वाहट है, खत्म, बात फूट हो गया वहां पर। अब आपके लाइफ के शांति, आपके फैमिली का आनंद खत्म हो रहा है वहां पर। आप भले ही एक छत के नीचे है, वो घर नहीं रहा। जिन लोगों को एक दूसरे के विषय में कपट नहीं है मन के अंदर, उसको घर कहा जाता है, उसको घर कहते हैं। आया समझ में? जिस घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं एक साथ, वो एक एक दूसरे के साथ बिना कपट के रह रहे हैं, तो वो घर है। अगर वो बिना कपट के नहीं, कुछ कपट रखते हुए जी रहे एक एक दूसरे के साथ, तो फिर वो घर फूटा हुआ है और उसके अंदर अशांति का डेरा लग चुका है, और वो घर उजड़ चुका है, ऑलरेडी उसका भविष्य नाश लिख दिया गया है। इसके लिए कहते हैं कि सब परिवार के लोग मिलकर प्रेयर में बैठो। प्रेयर क्या करता है? कठिन हृदयों को तोड़ता है, और मनों के हृदयों के भेद भी वो जानता है, परमेश्वर जानता है, और उस भेद के आधार पर वो एक दूसरे के मन की सफाई करने लगते हैं। ओके, तो ये तरह अभिषेक काम करता है, एक साथ प्रेयर करने वाले फैमिलीज के अंदर। ओके, वो एक दूसरे को अपने गुनाह मान लेते हैं, वो एक दूसरे से माफी मांगते हैं, और एक दूसरे की भलाई करने में वो तेजी से आगे बढ़ते हैं। ओके, ये घर कहा जाता है। लेकिन अगर ये ऐसा घर नहीं है, तो वहां पर क्या हो चुका है, एक दूसरे के विषय में कड़वाहट है, एक दूसरे के बारे में कुछ तो डर है, एक दूसरे के विषय में कुछ तो गैप है, दूरियां हैं। ओके, और फिर भी एक एक छत के नीचे रहते हैं,
वो घर नहीं कहा जाता है, वहाँ पर शांति 100% मैं गारंटी देती हूँ वहाँ पर शांति नहीं है। अगर घर के अंदर एक दूसरे के ऊपर डाउट्स है वो घर नहीं है। आप रेबेका को याद कीजिए, ओके, रेबेका कौन थी? इसहाक की पत्नी थी, ओके। इसहाक कौन था? अब्राहम का बेटा, और अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक की पत्नी जो थी वो रिबका थी। रिबका के घर में दो बेटे थे, एक ईसाव था एक याकूब था, ओके। रिबका ये इसहाक के लिए लाई गई थी, ओके। अब्राहम ने खास ऐसे एक मैसेंजर भेजा था और उस मैसेंजर के पास कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे, जो इंस्ट्रक्शंस की चौखट में बैठेगा उसी घर की लड़की को वो ब्याहने के लिए लेकर आएगा, ऐसा वो लिखा हुआ है वहाँ पर पुराने नियम में, उत्पत्ति में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो ऐसा इतना वहाँ पहुँचने के बाद में इंस्ट्रक्शन के अनुसार जब वो मैसेंजर को मिल जाता है लड़की, तब वो बोलता है कि परमेश्वर ने मेरे रास्ते सफल किए हैं। वो बोलता है परमेश्वर ने मेरे रास्ते सफल किए हैं। लेकिन ऐसे बोलने के बाद भी जब रिबका को वो लेकर आता है और इसहाक उसको सारा की जगह में रिबका को पत्नी बोलकर स्वीकारता है, क्योंकि सारा उसकी मम्मी थी इसहाक की, और वो डेथ होने की वजह से इसहाक के अंदर जो मम्मी का स्थान उसके अंदर जो था वो जगह पर अब एक उसकी वाइफ आ गई, ओके। और वो वाइफ अभी उसकी वो कमी को, उसके वो खालीपन को भर दिया, ओके। इस तरह से उसने इतना प्रेयरफुली, इतना कॉन्फिडेंटली, वो इतना अच्छे से वो लड़की को लेकर आया था ब्याहने के लिए अब्राहम। लेकिन इसहाक के साथ वो रिबका होने के बाद में, रिबका के दो बच्चे होने के बाद में, जो रिबका है उसने घर की खराबी कैसे की? उसने धोखा दे दिया। उसने देखा कि इसाव जो है वो बिल्कुल केयरलेस है, और उसके हाथ में अगर हमारे पीढ़ी का, जो इसहाक के पीढ़ी से, अब्राहम से इसहाक, इसहाक के आगे पीढ़ी होना है, तो वो पीढ़ी का जो आशीष परमेश्वर से हमको मिला है ये इसाव संभालने वाला नहीं है, ये बिल्कुल ही उड़ाऊ पुत्र की तरह है, ओके। तो इसकी वजह से वो नहीं चाहती थी कि वो आशीष खोए, तो उसने चालबाजी मांस और लहू के आधार पर चालबाजी की। मांस और लहू के अंदर उसके पास आइडियाज आ गए, वो आइडियाज उसने याकूब को सुनाए और याकूब ने उसकी मानी, जबकि याकूब डर रहा था। वो कह रहा था नहीं बाबा मैं ऐसे नहीं कर सकता, इससे तो मुझ पर श्राप आ जाएगा। तो वो रिबका कहती है तू डर मत, तेरे श्राप मेरे ऊपर आने दे, मतलब रिबका के ऊपर आने दे, ऐसा वो रिबका उसको बोलती है कि याकूब तेरे ऊपर जो श्राप आने वाले हैं इसके कारण, तो वो सब रिबका के ऊपर आने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, ठीक है। तो ये घर क्या है? इसहाक का घर में फुट गिर गया है, ओके। इसहाक के घर में क्या हो गया? उसके बीवी ने, रिबका ने, जिसको परमेश्वर की सहायता से लेकर आया ऐसे कहा गया है, फिर भी वो ही लड़की ने फूट करके क्या कर दिया? उसके अंदर की शांति खराब कर दी, ओके। और ये फूट गिरने की वजह से उस घर में उजाड़ हो गया। आप देखेंगे आगे उसको पढ़ेंगे तो जो इसहाक था उसको बुढ़ापे तक याकूब से बुढ़ापे याकूब ईसाव और याकूब, और याकूब का, याकूब की ओर से जब बेटे हुए, उसके बेटे जो हुए वो बेटों के अंदर उसको बहुत कुछ खोना पड़ा, बहुत लंबा समय खराब उसको जीना पड़ा, बहुत समय तक उसके बातों का परेशानी उसको सहना पड़ा, ओके। आप देख सकते हैं वहां पर सब कुछ गड़बड़ी मच गया था, ओके। क्योंकि वो फूट गया परिवार, वो फूट गया परिवार और गड़बड़ी मच गया। वैसे ही अब्राहम के साथ सारा ने किया, सारा ने क्या किया? अब्राहम को बोला वाचा का जो बेटा पैदा होना है
वो बहुत देरी हो रही है, वो आ नहीं रहा है, जन्म नहीं ले रहा है, तो अब क्या करना, मेरी जो दासी है उसके पास जाना और बच्चे को बर्थ देना, पैदा करना। तो उसने वो सुन लिया। ये क्या किया, परमेश्वर का ना सुनते हुए उसने मांस और लहू की आइडिया को लगा दिया और इश्माइल को पैदा किया। और क्या हो गया, सब कुछ फूट गया वहां पर। इश्माइल एक तरफ चला गया, अब्राहम सारा दोनों में लड़ाइयाँ। फिर अब्राहम ने बोला सारा को, ठीक है तू जो कहेगी वही करना। फिर वो जो सारा की दासी थी उसको भगा दिया, उसके साथ इश्माइल को भगा दिया। फिर इश्माइल को परमेश्वर ने, सब कुछ गड़बड़ियों में डाल देता है शैतान। ओके, इसके लिए आप अगर एक घर के अंदर रहते हैं, मांस और लहू आपको आइडियाज देता है, तो आपको सब एक साथ बैठ जाना है और मांस और लहू के आइडियाज को आप कबूल कर देना है और माफी मांगना है एक दूसरे से, और आपके मन साफ रखना है। मांस और लहू कभी भी आपको पवित्रता का रास्ता नहीं देगा, भले और बुरे का रास्ता देगा। भला और बुरा मतलब जो आपके स्वार्थीपन को सजाए रख सकता है। ओके, भला और बुरा का मतलब ये नहीं है पाप और पाप और पवित्रता, ये नहीं है। ओके, पाप और पवित्रता मतलब परमेश्वर की आज्ञा मानना, परमेश्वर की आज्ञा ना मानना। लेकिन भला और बुरा जो है, वो सब कुछ जो आपको देगा वो स्वार्थीपन का देगा, वो शरीर का सब मनोकामनाओं को पूरा करने का रास्ता देगा। ठीक है, तो ये तरह से कपट रहता है मांस और लहू के इंस्ट्रक्शंस में। इसके लिए घर के अंदर अगर मांस और लहू का पगड़ा ज्यादा जबरदस्त है, तो एक दूसरे के साथ उनका बनेगा नहीं। वो राज्य उजड़ गया है, वो घर उजड़ गया है, उसमें फूट लग चुकी है। और बाहर जो जादू टोना करने वाले लोग रहते हैं, वो यही करते हैं, घर उजाड़ने का काम करने वाले दुष्ट आत्माओं को लगाते हैं। इस घर के इंसानों के बीच में मन के अंदर मांस और लहू के इंस्ट्रक्शंस देता देता है शैतान। जैसे शैतान ने हवा को इंस्ट्रक्शन दिया, कुछ नहीं होगा, खा लेना वो फल, सच में थोड़ी मरने वाले हैं तुम लोग, लेकिन तुम लोग परमेश्वर के समान एक बन जाओगे। ओके, और जब आदम और हवा को परमेश्वर हटा रहा था आदम बगीचे से, तब परमेश्वर खुद भी कहता है यही कि अब ये मनुष्य क्या हो गया है, मेरे समान, हमारे समान एक जैसा हो गया है। तो हमको क्या बोला गया था, हमको परमेश्वर ने क्या कहा था कि ये फल नहीं खाना, नहीं तो मर जाएंगे। और शैतान क्या कह रहा था, निश्चित ही नहीं मरने वाले हैं, सच में थोड़ी मरने वाले हैं। तो हमको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि वचन जो परमेश्वर कह रहा है वो इसको सुने, या ये कॉम्प्रोमाइज करके बोल रहा है इसको सुने। ओके, अगर कॉम्प्रोमाइज करने वाले का सुनेंगे तो खत्म, परमेश्वर के साथ का आपका संबंध फूट गिर जाएगा, सामर्थ आपको यूज नहीं होगा, आप डगमगाते रहेंगे, आप में डर फैलने लगेगा, आपको डाउट्स आने लगेगा, आपको परमेश्वर के प्रेम के ऊपर संदेह होगा, क्या सच में परमेश्वर मुझे चाहता है, क्या सच में परमेश्वर मेरे साथ है। आप, ये कारण है उसका, क्या किया आपने, मांस और लहू में जो इंस्ट्रक्शंस आया आप उसके पीछे चले गए, इसके लिए अब ये माहौल आपका ऐसा उजड़ गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर हमको एक रास्ता है, आप पश्चाताप कर सकते हैं और आप रिटर्न परमेश्वर के साथ एक मन हो सकते हैं, दोबारा आपके मन की ताकत और एक मन परमेश्वर के साथ होने का रास्ता चल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पाप याद नहीं है तो आप कम से कम माफी तो मांग सकते हैं कि परमेश्वर मेरे पाप ये कारण है कि मैं अब ये अवस्था में फंस गई हूँ या फंस गया है। ठीक है, तो अब मुझे माफ कर दे ताकि मैं तेरे साथ एक मन होकर चल सकूं। ओके, 18 वचन, यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा, क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। अब ये बाल जबुल से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, ये यहूदियों को कैसे पता चला,
जबकि परमेश्वर के वचन में तो दुष्ट आत्माओं को निकालो ऐसा नहीं लिखा था पुराने नियम में। ओके, दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम नए नियम से शुरू हुआ है, ठीक है। तो फिर ये पुराने नियम में यहूदियों को कैसे पता चला कि बालजबुल के सहायता से निकाला जाता है दुष्ट आत्मा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बनता है, उनके भी मन के अंदर से ये रास्ते चले हुए हैं कि उनको अगर कुछ तकलीफ हुआ रहेगा तो वो कहाँ गए होंगे, जादू टोना करने वालों के पास। ओके, और जादू टोना वाले लोगों ने जो किया वो उन्होंने देखा है, और इसकी वजह से उनके संतान वैसे करने लगे जबकि वो परमेश्वर ने मना किया है, लेकिन फिर भी वो लोग ने किया वैसे। ओके, बिना किए कैसे क्या मालूम पड़ेगा कि बालजबुल के सहायता से निकाला जाता है, जबकि उन्होंने ट्राई किया होगा तभी तो मालूम पड़ा होगा ना। तो ये तरह से हम पाप किए हैं तभी तो हमको मालूम पड़ता है ना कि ये पाप के रास्ते में ऐसे ऐसे सब किया जाता है, या फिर हमने पढ़ा होगा उसके बारे में। अब जादू टोना तो मैंने नहीं किया है, लेकिन मैंने उसके बारे में सुना है। जब मैं टीबी जोशुआ के टेस्टिमनीज, टीबी जोशुआ कोएन चर्च के पास्टर है वो, तो प्रॉफेट है वो, ओके, भविष्यद्वक्ता है, और वो संभालते हैं कोएन चर्च को नाइजीरिया में। तो उनके मैं टेस्टिमनीज बहुत सालों से सुनते आ रही हूँ। तो उनके टेस्टिमनीज में जो लोग गवाहियाँ देते हैं, तो वो साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीका में जादू टोना का माहौल बहुत भारी भयानक से चलता है। सारी दुनिया के लोग वहाँ से जादू टोना सीख कर आते हैं, और वहाँ पर जब लोग प्रभु यीशु में उद्धार पाए, और वो जो सेवक है टीबी जोशुआ, तो उनके सेवकाई में जब वो लोग क्या कहते हैं गवाही देने लगते हैं, तो गवाही में वो खोल देते हैं रहस्य को जो अंधकार के जगत में वो लोग किया करते थे। और मैंने वो सुने हैं, और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे उन सारे बातों के ऊपर यीशु मसीह कैसा मजबूत है वो मुझे उसमें से सिखाया है। ओके, तो इसकी वजह से मुझे मालूम पड़ा कि ये लोग ऐसे करते हैं। तो हमने कहीं तो पढ़ा होगा, कहीं तो देखा होगा। आप जब तक किसी इंस्ट्रक्शन से कनेक्ट नहीं होते तब तक आपको चीज़ें मालूम नहीं रहती है। आपको वो इंस्ट्रक्शंस आपको मालूम हो जाना चाहिए, तो मालूम होगा तभी आप उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। ओके, मैं एकदम छोटी थी, और मुझे नहीं मालूम था, कुछ ऐसी बातें थी, मुझे नहीं मालूम था बिल्कुल। मैं छोटी थी और मैं किचन में चाय और नाश्ता दिया गया था मुझे, तो मैं किचन में बैठकर, मैं एकदम छोटी बच्ची हूँ तो मेरे साथ बड़े एक दीदी थी, वो हम लोगों के साथ रहते थे, तो वो बैठी थी, और उनके साथ कुछ गंदा व्यवहार वो किए, कुछ गंदा व्यवहार मुझे दिखाई दिया वो किए, लेकिन मुझे नहीं मालूम था वो गंदा व्यवहार किया उन्होंने। ओके, मुझे नहीं मालूम था। तो मैंने इतना ही किया कि मैंने अपना नाश्ता ख़त्म किया, मैंने देखा वो कुछ गंदा व्यवहार किया उन्होंने, लेकिन मालूम नहीं, मुझे उसके बारे में ज्ञान नहीं है। अभी जब मैं प्रभु में हूँ मुझे पता चलता, ओ ये पाप का रास्ता है, और वो समय मैंने वो जो देखा था वो पाप, जो पाप हुआ उनसे वो पाप को मैंने देखा। तो इस तरह से रहता है वो, हम जिसके विषय में हमको ज्ञान नहीं है, जिसके विषय में हमारे पास मालूमात नहीं है, वो चीज़ें हमको इफ़ेक्ट नहीं करती है, माय फ्रेंड्स। ओके, इसकी वजह से हमको बहुत चीज़ें हमारे आसपास पड़ी रहती है, लेकिन अगर हमको उसके बारे में पता नहीं है तो वो इफ़ेक्ट नहीं, हमको मालूम नहीं रहता है वो क्या है, हमको उससे डर भी नहीं लगता है, हमको उससे कुछ नहीं लगता है, हमको बिल्कुल वेस्टेज लगता है वो, हमारा ध्यान भी नहीं जाता है उस वैसे चीज़ों की ओर। लेकिन अगर हमको मालूम है तो हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है, और हमारे मांस और लहू के अंदर उस विषय के जानकारियाँ घूमने लगती है दिमाग में। ओके, और फिर हम वो घूमने वाली बातों के अंदर से कुछ तो निष्कर्ष निकालते हैं, उसमें से हम कुछ तो वाद विवाद निकालते हैं, और फिर उस अनुसार हम अपना रिस्पॉन्स खोल देते हैं, जवाब खोल देते हैं।
ठीक है, अगर वो छोटी उम्र में मुझे मालूम होता कि ये गलत किया है, ये जो दीदी थी वो जो हमारे साथ में रखा था उनको, तो अगर मुझे मालूम होता ये गलत कर रही है, ये सही नहीं है, तो मैंने मेरे बुजुर्ग लोगों को कंप्लेंट किया होता उसका, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को कंप्लेंट नहीं किया, मैंने अपने दिमाग से भी उसमें मुझे कुछ नहीं था उसके विषय में। लेकिन अब जब मैं ये सब बातें जो मैं टीवी जोशवा ये सब वीडियोस को देखते हुए आई हूँ, तब मुझे पता चला, अच्छा तो ये दुष्ट आत्मा का काम था वो। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं, यहूदी लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह बालजबुल के सहारे से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। अगर यीशु कहता है, अगर तुम लोग ये कहेंगे मैं बालजबुल के सहारे से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूँ, तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते थे? ओके, तो उनके पास ये ज्ञान कैसे आया दुष्ट आत्माओं के विषय में? उनके संतानों ने किसकी सहायता से निकाला था दुष्ट आत्माओं को? बालजबुल की सहायता से। ओके, दुष्ट आत्माओं का पहचान उनको अन्य जातियों में से मिलेगा, परमेश्वर की ओर से नहीं था वो। ओके, तो यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसा बने रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालते हो। अगर यीशु जो है वो अगर शैतान को क्या कर रहा था, शैतान उसको देखकर डर रहे थे, शैतान के आत्माएं उसको देखकर लड़खड़ा के गिर जाती थी, यानी क्या दिखाई देता है यहाँ पर? यहाँ पर अधिकार दिखाई देता है, सही है, यहाँ पर अधिकार दिखाई देता है। जैसे मैंने कहा, छोटे बच्चे का लेवल में जो दुष्ट आत्मा रहेगा उसके ऊपर टीचर का लेवल का दुष्ट आत्मा रहेगा, तो छोटे बच्चे के लेवल में जो दुष्ट आत्माएं हैं वो टीचर के लेवल के दुष्ट आत्माओं को देखकर डरेंगे, ओके, और उसकी मानेंगे और उसके ऊपर फिर। लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ पर? यीशु को देखकर बालजबुल खुद लड़खड़ा रहा है, यीशु को देखकर शैतान की आत्माएं लड़खड़ा रही है, और शैतान की आत्माओं को शैतान के जगत में कुछ दिया जाता है तभी वो वहां से निकल जाती है। ठीक है, और यीशु मसीह क्या कर रहा था? यीशु मसीह कमांड कर रहा था निकल जा, और उनको कुछ नहीं दे रहा था। ओके, उनको कुछ नहीं दे रहा था, उनको उखड़ जाने के लिए कहता था, निकल जाने के लिए कहता था, उनको रुकने नहीं देता था, और वो खुद भी वहां रुकती नहीं थी, उसको देख कर ही वो थरथराने लगती थी। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? अधिकार किसका ज्यादा वजन वजनदार दिखाई दे रहा है? यीशु मसीह का। तो यीशु मसीह को अब शैतान क्यों डरने लगा? यीशु मसीह की आत्माएं लेवल के अनुसार जो लेवल से सब लेवल के दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह से क्यों डरने लगे? अब टीचर के लेवल का जो इंसान है उससे बच्चे के लेवल वाला दुष्ट आत्मा डर सकता है, लेकिन प्रिंसिपल के लेवल वाला दुष्ट आत्मा टीचर के लेवल से क्यों डरने लगेगा? समझ में आ रहा है? तो ये शैतान के लेवल्स को क्रॉस हो गया था यीशु का अधिकार, सारे लेवल्स के ऊपर चढ़कर यीशु को वो डर रहे थे, सारे लेवल शैतान के यीशु को देखकर डर रहे थे, लड़खड़ा रहे थे। तो ये कह रहा है यीशु मसीह की, ऐसे कैसे हो गया, सारे लेवल क्यों मुझसे डरने लगे? क्यों अगर उनको डर वाली बात हो गया हूँ, मैं उनके लिए खतरे वाली बात हो गया हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैंने उनके विरोध चढ़ाई करना शुरू किया है, मैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मान रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? शैतान का राज्य टूट गया ये जाहिर हो जाता है, और ऐसा तो नहीं है। वो अपने अपने लेवल में जाके देखो, वो बराबर एक दूसरे के सुन रहे, और मैं ही एक ऐसा हूं कि मैं उनके लेवल के रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मान रहा हूं, और मैं उनको उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा हूं। ओके, बच्चे के लेवल को कौन निकाल सकता था? टीचर के लेवल वाले लोग। टीचर के लेवल को कौन निकाल सकता था? प्रिंसिपल के लेवल के लोग। प्रिंसिपल के लेवल के लोग कौन निकाल सकता था? जो मालिक है स्कूल का, वो निकाल सकता है। ओके, और मैं क्या कर रहा हूं? मैं सारे लेवल्स के लोगों शैतानी आत्माओं को उखाड़ता जा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं कोई भी लेवल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मान रहा हूँ, तो मैं तो उसके विरोध हो गया। अगर मैं उसके विरोध हो गया, तो इसका मतलब है उनके बीच में फूट आ गया है,
अगर मैं उनके लेवल वाला कोई आप बोलेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, उनके लेवल को मान नहीं रहा हूँ, मैं उनके लेवल के रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मान रहा हूँ, तो मैं उनका विरोध ही हो गया। तो इसका मतलब शैतान का अधिकार मेरे ऊपर से टूट गया है, इसका मतलब शैतान का मेरे ऊपर कुछ चल नहीं रहा है। इसका मतलब ये बनता है कि शैतान के लेवल्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करने के लिए फ्री हो गए, ऐसा हो जाएगा। ओके, और असलियत में जाकर देखो तो शैतान के लेवल एक दूसरे के मानते हुए चल रहे, इसका मतलब प्रूव हो जाता है कि मैं उनके लेवल वाले नहीं हैं और ना ही मैं उनके रूल्स और रेगुलेशंस का हूँ, मैं जो हूँ वो उनसे अलग हूँ, मेरे पास जो अधिकार है उनसे अलग वाला अधिकार है, उनके लेवल्स वाला अधिकार में मेरा कुछ नहीं है, मैं जो अधिकार यूज़ कर रहा हूँ वो अलग है, वो शैतान की ओर से नहीं है। आया समझ में? 18 वचन पढ़ते, यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा, क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है, भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारे न्याय चुकाएंगे, परंतु यदि मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से, देखो इसको अंडरलाइन करना, हम लोग यीशु मसीह के अंदर जो है, हम लोग शैतान के लेवल से डरने वाले लोग नहीं रहना है। ओके, वो डराने का काम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनको मालूम है पाप कहाँ पर है, मांस और लहू में है, और शैतान के राज्य कहाँ बनते हैं, जहाँ पर पाप बैठा हुआ है। ओके, तो हमको इसके लिए यीशु मसीह कहता है मांस और लहू को इनकार करना सीखो, यानी आपके सेल्फिशनेस को इनकार करना सीखो, स्वार्थीपन को आप छोड़ दो, समझ में आया, और दया के आधार से आप चलना शुरू करो, और मैंने जो वचन दिखाया है उस वचन के आधार से चलना शुरू करो। तो तुम लोग किसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहोगे, यीशु मसीह के, और यीशु मसीह के रूल्स एंड रेगुलेशन में रहते समय कौन तुम्हारी ताकत बनेगा, परमेश्वर की सामर्थ, और परमेश्वर की सामर्थ ताकत बनेगा तो किस पर चढ़ाई कर सकते हैं, शैतान के सारे लेवल्स के ऊपर। समझा अभी ये कैलकुलेशन कैसा है? ओके, आगे पढ़ते हैं, परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंच रहा है। तो अगर परमेश्वर ने शैतान को गिराना शुरू किया है तो इसका मतलब क्या आ गया है, पुराने नियम में इसके विषय में लिखा गया है, जब ऐसा माहौल रहेगा तब वहां पर क्या है, परमेश्वर का राज्य आ चुका है। ठीक है, तो हमारे लिए ये शुरुआत जो यीशु मसीह ने किया था, ये शुरुआत, ये समय यहूदियों को ये समझना चाहिए था कि परमेश्वर का राज्य हमारे पास आ गया है। ओके, ये हमको पुराने नियम में इस वचन को लेकर कनेक्ट करने का है, उसको स्टडी करने का है कि जब ऐसे काम होने लगेंगे कि शैतान को गिराया जाएगा तो क्या होने वाला है, परमेश्वर का राज्य हमारे पास आया है, ये चिन्ह हमको मिल जाता है। ओके, ये पुराने नियम से हमको स्टडी करना है, इसको बॉक्स कर देना, बहुत मजा आएगा आपको ये स्टडी करते समय, आप इतना महसूस करेंगे कि सच में हम क्या है हम क्या है ऐसे कि हम शैतान के साथ फाइट करें, क्योंकि वो पहले से हारा हुआ है, पहले से उसकी ताकत खत्म हो चुकी है, क्या हम युद्ध कर रहे हैं उसके साथ, हम सिर्फ लोगों को छुड़ाने का काम कर रहे हैं, उसकी जिद तोड़ रहे हैं, हम बस ये कर रहे हैं हम। ओके, आगे पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। 21 वचन, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। तो ये बलवंत मनुष्य के विषय में 21 को लिखा है, हथियार बांधे हुए, तो बलवंत मनुष्य सिर्फ अपने शरीर के अंदर के बाहुबल को लेकर खड़ा नहीं रहता है, उसके अलावा उसके पास हथियार होते हैं, ठीक है, और क्या करता है, उसके पास तीन चीजें हो गई, एक तो वो बलवंत है, दूसरा उसके पास हथियार लगे हुए हैं, और तीसरा उसके पास रखवाली करने का काम है। ये तीन चीज क्यों कर रहा है, वो मनुष्य को अपनी ताकत में बांध के रखा है, ये शैतान के विषय में है, ठीक है, उसने मनुष्य को अपनी ताकत में बना के रखा है, ये ताकत हम तोड़ने का काम कर रहे हैं,
आया समझ में? ये ताकत तोड़ने से उसकी संपत्ति क्या है? मनुष्य जाति। हम मनुष्य जाति को उसके हाथों से छुड़वा कर ला रहे हैं। आया समझ में हम क्यों फाइट करते हैं शैतान से? क्योंकि ये शैतान क्या है, उसने क्या किया है, अधिकार को लिया था मनुष्य के ऊपर, और क्या किया था, उसने हथियार को लगाए रखे थे, और वो बहुत भली तरह से उसके उसके घर की रखवाली कर रहा था, उसके उसके कब्जे में आए हुए सब लोगों को वो पकड़ के रखा था, और जबरदस्त रखवाली पहरा दे रहा था वो, कि ये लोग उसके हाथ से छुटकर नहीं जाए। लेकिन मैं और आप जो अभी मसीह में दिखाई देते हैं, क्या हुआ हमारे हमारे साथ? यही वो शैतान के हथियार तोड़ दिए गए, उसकी ताकत तोड़ दी गई, और उसके रखवाली में हमको बंदिश करके रखा था, हमको उसमें से निकाल कर लाया, और अब कहाँ पर है हम? यीशु मसीह में है। ओके, कैसे क्या पॉसिबल हुआ ये? 22 पढ़ो। पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत, ये है यीशु मसीह। ओके, बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है। यीशु मसीह ने शैतान के अधिकार को छीन लिया है, उसके अधिकार को कुचल दिया है। इसके लिए हम कहते हैं अब शैतान के पास कोई अधिकार नहीं। अधिकार का चिन्ह क्या रहता है? सर। ओके, और जो गुलामी का चिन्ह क्या रहता है? पूछ। ठीक है, तो गुलाम हमेशा अधिकारी के पीछे पीछे चलता है, लेकिन अधिकार हमेशा आगे आगे चलता है। ओके, तो अब शैतान हमारा ड्राइवर नहीं है, शैतान का ड्राइविंग हमने हमारे यीशु मसीह ने छीन लिया है। अब कौन है हमारे हमारे लिए ड्राइविंग सीट पर? यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे ड्राइविंग सीट में है, अब हम उसके उसके कब्जे में है, यीशु मसीह के कब्जे में है। ओके, तो शैतान को हटा दिया है, हटा दिया है, इसका मतलब क्या हो गया? वो अभी बलवंत नहीं था, इसके लिए हटा दिया, उसके हथियार काम नहीं किए, यीशु को रोक नहीं सके, और उस और शैतान के कब्जे में जितने लोग थे वो सब लोगों में से हम लोग भी थे, हम लोग को यीशु ने अलग किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के अधिकार को यूज कर रहे और लोगों को भी छुड़ा छुड़ा कर ला रहे, है ना? आया समझ में हमारा युद्ध कैसा चल रहा है? तो हम शैतान के ताकत को तोड़ने वाले हैं, और हम शैतान के हथियार को तोड़ने वाले हैं, और उसके घर को फोड़ने वाले हैं, और उसके घर के कब्जे में जितना रखवाली में पहरेदारी में बंदिश में रखा हुआ लोग है, सब रखवालियों को तोड़ने वाले, पहरेदारी को तोड़ने वाले हैं। और क्या होने वाला है? मनुष्य को उसमें से हम उठा उठा कर यीशु के राज्य में लाने वाले हैं। आमेन। अब आगे पढ़िए, इसके लिए आपको तीन चीज होनी है, अच्छा योद्धा, अच्छा किसान, और अच्छा एथलीट, खिलाड़ी। ठीक है, 22 वचन, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, मेरे यीशु मसीह ने जीत लिया है। ओके, तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था, है ना, अब जितना उसको भरोसा था अब सब टूट चुका है। इसके लिए वचन में आगे पढ़ेंगे आप, पौलुस की पत्रियों में आपको पढ़ने को मिलेगा, उसमें लिखा है कि नंगा तमाशा कर दिया है शैतान का, शैतान के हथियार पर्दाफाश कर दिया है, कुछ नहीं रहा है अंधेरा भी, शैतान का कुछ छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ प्रकाश में आ चुका है, सब कुछ हम देखने लगे हैं, उसके सारे गंदे जलील काम सब कुछ हमको पता चलने लगे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं उसके हथियार को, उखाड़ के फेंक देते हैं, और क्या करते हैं, वो जो बंदिशें लगाता है हमारे ऊपर, पहरेदारी लगाता है, उसको लात मारकर आगे निकल जाते हैं। ओके, और हम क्या है? परमेश्वर के उससे भी ज्यादा, शैतान से भी ज्यादा बलवंत, चढ़ाई करके शैतान के हाथों से हमारे लोगों को छुड़ा कर लाने वाले, चीजों को छुड़ा कर लाने वाले, व्यवस्थाओं को छुड़ा कर लाने वाले, व्यवहारों को छुड़ा कर लाने वाले। ओके, तो हमको ये युद्ध में इसके लिए युद्ध करना सीखना है, और इसके लिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी उंगलियों को युद्ध करना सिखाऊंगा। हमको युद्ध करने के वक्त में हमको सिखाने वाला अभी कौन है? परमेश्वर का आत्मा, और परमेश्वर के वचन क्या हो जाते हैं? ये जो शैतान के हथियार है ये पर्दाफाश कर देते हैं, वचन, पवित्र वचन, ये पर्दाफाश कर देते हैं, शैतान के जो हथियार है उनको हमारे सामने नंगा कर देते हैं, पता लगा देते हैं कि देखो ये वचन में ऐसे ऐसे लिखा है ना, ये सब हथियार है शैतान के,
उखाड़ो उसको, ओके ये उसकी ताकत है, उखाड़ो, ये उसके पहरेदारी है, उखाड़ो उसको, ओके इस तरह से हम वचन को पढ़ना चाहिए ताकि हमको पता चले वो हमारा प्रकाश है, वचन हमारा प्रकाश है, वचन हमारे सामने उजियाला रखता है, ओके हम ठोकर नहीं खा पाते हैं, हम लड़खड़ाते नहीं है क्योंकि वचन हमको पता है, वचन हमारे मन में है और वचन के कारण हमको पता है शैतान का कुछ नहीं चलता है, वो बिल्कुल हारा हुआ है, 100% वो हारा हुआ है, आमेन, क्योंकि वो हमको पकड़ के नहीं रख पाया ओके हम मसीह में दिखाई दिए दे रहे, इसका मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर ताकत नहीं है, वो हमको पकड़ के नहीं रख पाया, हम आ गए मसीह में, ओके आगे बढ़ते हैं। तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है, ओके ये बहुत अच्छे से याद रखना है, हमको परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी कॉलिंग से बुलाया है, हम लोग इसके लिए कोई नाम नहीं लेते हैं, ना ही हम प्रॉफिट है, ना ही इवेंजलिस्ट कर रहे, ना ही हम कोई भी प्रकार के हुद्दे नहीं है हमारे पास, हम लोग जो है वो अच्छा किसान है, अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा योद्धा है, हम लोग मिशनरी वर्क है और ये परमेश्वर के काम में हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, ओके क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ में है और यीशु मसीह के साथ हम सब कुछ बटोरते हैं, जो भी यीशु मसीह का है हम बटोर बटोर कर लाते हैं, ओके उसके पास लेकर आके रख देते हैं, हमारे देश को उसके चरणों में लाकर रखते हैं, हमारे देश के लोगों को उसके चरणों में लाके रखते हैं, हमारे देश की व्यवस्था को उसके पास लाकर दे देते हैं, हम सब कुछ यीशु के पास लेकर आते हैं, हमारे पास कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, लिमिट नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, हमको करना पड़ता है, मिशनरी वर्कर लोगों का यही काम होता है कि वो हर एक छोटी 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 बातों में होकर होकर सब कुछ जो बंदिश में है उसको धीरे 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 परमेश्वर के पास लेकर आकर छोड़ना है, परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के कब्जे में देते जाना है, ओके आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना होगा तो ये आधार है उसका, मिशनरी लोगों का काम है ये, ठीक है हम कोई भी शहर में जाते हैं, कोई भी जगह में जाते हैं, हम खाली हाथ नहीं रहते हैं, हम पर धड़ाधड़ प्रकाशन आने लगते हैं, ये जगह में क्या है, क्या लड़ाई करना है, कौन बलवंत है, क्या हथियार लगा हुआ है, कहाँ पर पहरेदारी लगी हुई है, कौन सी संपत्ति यहाँ पर छिपाए रखी, मतलब कौन सा दुष्ट आत्मा यहाँ पर क्या रोक रखा है, करियर कभी कभी रोक रखता है, कभी कभी बांझपन वो जगह पर रहता है, या कभी कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, कभी कभी क्राइम वहाँ पर ज़्यादा रहता है, अलग अलग जगह के अलग अलग कहानियाँ होती है, वो हमको धड़ाधड़ परमेश्वर का आत्मा दिखाने लगता है और हम खाली नहीं बैठते हैं, फिर शुरू हो जाता है हमारा काम, ओके तो हमको सब चारों तरफ से हमको ये तीन कैरेक्टर में चलना पड़ता है, चारों दिशाओं में अच्छे योद्धा बनकर, अच्छा किसान बनकर और अच्छा खिलाड़ी बनकर, ओके आगे बढ़ते हैं। अधूरे सुधार से विपत्ति, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, यीशु मसीह के विरोध वाले हो जाएंगे और यीशु मसीह के साथ बटोरने वाले नहीं रहेंगे, हम देखेंगे परमेश्वर के जो काम है वो हम ऐसे ही छोड़ दिए हैं, हो रहा है तो हो रहा है, जाने तो हम क्या करें, नहीं 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 नहीं, ओके जो उसके साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है, वेस्टर रहता है, वेस्टर, इसके लिए आत्मिक जीवन में हम वेस्टर नहीं बनना है और ना ही आत्मिक दर्शन जिसके पास है उसके हम कभी खिलाफ नहीं होना है, कभी नहीं होना है माय फ्रेंड्स, कभी हम एक छोटे से छोटे को भी आदर करना है, किसी को भी हम अनादर नहीं करना है, अगर वो परमेश्वर यीशु मसीह के काम में हम देख रहे हैं उसको तो हम उसको सपोर्टिव होना है, ओके हम उसके खिलाफ खड़े नहीं होना है, ये बहुत ही डेंजरस जोन है, इसमें आप सुधर जाइए, अगर आप में ये आत्मा है कि आप एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं तो प्लीज़ टेक केयर, ये हम लोग नहीं बनना है, ओके और हम परमेश्वर के राज्य के चीज़ें बिखेरने के लिए नहीं रहना है, हमको
अपने आसपास से सब कुछ परमेश्वर के राज्य में इकट्ठे करने वाले होना है, क्योंकि ये सब कुछ इकट्ठा करने के लिए हमको मसीह जीवन में लाया गया है। ठीक है, पाप को अलग करते जाना है, पवित्रता को इकट्ठे करते जाना है। ठीक है, अधूरे सुधार से विपत्ति 24 वचन, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी सात और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठ कर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। पूरा बॉक्स कर लेना और ये लास्ट वाला लाइन अंडरलाइन करना, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। अगर आपने देखा किसी को कि आपने किसी को छुटकारा पाते हुए देखा, इसके लिए मैंने आपको कुछ ऐसी गहरी प्रेयर्स नहीं करवाई, ओके? जब आप गहरे प्रेयर्स में उतर कर आने वाले हैं तब आपको ये पैसेज याद रखना है। अगर समझो आप झूठ बोलने वाले लोग हैं और आपके अंदर से झूठ बोलने वाला आत्मा निकल गया अब प्रेयर करने की वजह से, अब आपको क्या करना है? उस झूठ बोलने वाला आत्मा निकल गया है तो सच बोलने वाले के आदतें आपको लगा लेनी है। आपको हर हालत में सच बोलना है, हर समय आपको सच बोलना है। अगर आपने कहीं पर भी सच को छोड़ दिया तो वो जगह क्या बन जाएगा? दोबारा झूठ बोलने वाली आत्मा को आने का रास्ता मिलेगा, ओके? और जब वो एक बार आएगी, दो बार आएगी, तीन बार आएगी, तो उसको पता चलेगा ये अभी तक सच बोलने में मजबूत नहीं बना है। तो अब क्या हो जाएगा, वो उसके साथ जो झूठ बोलने वाली आत्मा है उस वो झूठ बोलने वाली आत्मा के साथ और दूसरे सात जबरदस्त बुरी आदतों की, बुरे कामों की आत्माएं लेकर आएगी, ओके? और फिर वो सातों एक साथ और प्लस झूठ बोलने वाली आत्मा, ये सब एक साथ उसमें वो एक रास्ते से आ जाएगी जिस रास्ते से उसको आपने निकाल दिया था, ओके? और वहां से आने के बाद में अब मनुष्य की हालत कैसे दिखाई देगी? पहले तो वो सिर्फ झूठ बोल रहा था, अब क्या हुआ, अब झूठ तो बोल ही रहा है प्लस और सात गंदी आदतें उसकी दिखाई देने लगी है, या उसकी हालत और बुरी दिखाई देने लगी है, या उसके स्वभाव और बुरा होने लगा है। ठीक है, ये सीक्रेट है। इसके लिए जब आप गहराई में अब सामर्थ को यूज करने का माहौल में उतरते जा रहे तो अब आपको ये बहुत गहराई में याद रखना है, जो जो आत्माओं से आप छुटकारा पाएंगे वहां पर आपको शुद्धता के कामों का प्रैक्टिस करना शुरू करना है और वचनों को उसके आधार देना है। शुद्ध कामों के नीचे आपका कारण क्या होना चाहिए? वचन, ओके? ये वचन कहता है इसके लिए मुझे ये करना है, ये वचन कहता है इसके लिए मुझे ये करना है, ये वचन कहता है इसके लिए मुझे ये करना है। इस तरह का आपका स्पीड शुरू हो जाना चाहिए, गति शुरू हो जाना चाहिए, और फिर क्या होगा, आप सुरक्षित रहेंगे। गहरी गहरी प्रार्थनाएं करके दुष्ट आत्माओं को हटाने के बाद भी आप सुरक्षित रहेंगे, ओके? इसके लिए आपको सरफेस सरफेस पर मैं प्रार्थना कराती हूँ, गहरी गहरी प्रार्थनाएं नहीं कराई है अभी तक, क्योंकि ये गहरी प्रार्थनाओं का जो नतीजा होता है वो खतरे भरे हुए होते हैं, ओके? कैसे खतरे? जो पहले हो उससे ज्यादा खराब होने की अवस्था हो सकती है, इसकी वजह से ये आपको अभी सुनना है। ये 24 से लेकर 26 का पूरा वचन आपको अच्छे से सुनाई देना है कि यहाँ पर क्या करना है। जो भी आप इसके बाद मैं जब प्रेयर्स अपलोड करूँगी आपके छुटकारे के विषय में, तो वो प्रेयर्स के विषय में आपको क्या करना है, जो प्रेयर आप करेंगे उसके बाद वो जगह से दुष्ट आत्माएं निकल गई है तो आपको शुद्धता के आदतें लगाना है, और उस आदतों के नीचे आपका फाउंडेशन क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन, ओके? कोई आपको पूछेगा ये ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे, तो आपके पास वचन बोलना आना चाहिए। परमेश्वर का वचन यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, इसकी वजह से मैं ये काम कर रही हूँ, इसकी वजह से मैंने ये स्वभाव मेरे अंदर बना लिया है,
ओके, बिना वचन के आप सिर्फ शुद्ध काम करने वाले नहीं बनना है, वचन को पहले ले लेना है अपने अंदर, और वो वचन को बोलते हुए आपको शुद्ध काम करना है कि वचन में लिखा है इसके लिए मैं ये ऐसा व्यवहार कर रही हूँ। ओके, वो होता है पक्का मजबूत नींव, जब आंधी आए तूफान आए तो भी वो डगमगाएगा नहीं। ओके, जब शैतान की आत्माएं दोबारा आने की कोशिश करेगी, बुरी आत्माएं बुरी आदतें दोबारा आने की कोशिश करेगी, उसको रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास अब क्या है, पवित्र आत्मा है, वचन है, आप यीशु मसीह को जानने वाले और सच्चाई में सीधे खड़े हुए लोग हैं। आपके बैकअप बैकिंग के लिए आपको स्वर्गदूत रहेंगे, प्रभु भोज से आपका घर हमेशा मजबूत और सजा सजाया, झाड़ा बुहारा और पवित्र अभिषेक से भरा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धन्य कौन है? जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। 28 वचन, उसने कहा, हाँ परंतु धन्य वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। इसको बॉक्स करना 28 वचन को, यही मैंने अभी आपको कहा, वचन सुनना भी है और उसके अनुसार करना भी है। स्वर्गीय चिन्ह की मांग। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। जैसा योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यह वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। निनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यह वह है जो योना से भी बड़ा है। ये हमारा गॉस्पल सुसमाचार, जब यीशु के बारे में बोल रहे और यीशु के बारे में वो लोग कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं लोग, ओके, और ना ही उसकी तरफ वो मुड़ने की कोशिश करते हैं, मन देने की कोशिश करते हैं, ओके, तो ये कारण से उनका दोष बहुत ही भारी रहेगा। ठीक है, और जो ये दक्षिण की रानी जो थी वो उद्धार में नहीं है, ठीक है, और ना ही निनवे के लोग जो है वो उद्धार में है, ओके, फिर उद्धार के लोग सिर्फ बचाए गए हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि अगर समझो लोगों ने यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण नहीं किया, तो ये जो लोग हैं जो उद्धार में नहीं है तो भी इनके ऊपर ज्यादा पनिशमेंट नहीं आएगी, ओके, जितनी पनिशमेंट अभी के लोगों के ऊपर आने वाली है जिनके लिए उद्धार करता यीशु मसीह को ग्रहण करने का बात बोला जा रहा है और वो लोग नहीं सुन रहे हैं, ओके, तो फिर ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट, असहनीय पनिशमेंट किसको होने वाला है, ये लोगों को जो यीशु मसीह के सुसमाचार को सुन नहीं रहे हैं और अपने मन यीशु मसीह की ओर नहीं दे रहे हैं, ओके, ये जो पुराने नियम के लोग हैं जिनके पास उद्धार नहीं था, वो लोगों के पनिशमेंट्स इतनी ज्यादा नहीं होगी, ओके, क्योंकि उन लोगों के पास कारण है, उनके पास उनके कार्य ऐसे थे, क्योंकि वो कार्य के आधार पर न्याय होने वाला है उनका, तो उनके कार्य ऐसे है कि वो सुलेमान के ज्ञान, किसने दिया था सुलेमान को ज्ञान, परमेश्वर ने, तो वो दक्षिण की रानी ने वो सुना कि इनका एक परमेश्वर है जिसने इसको ज्ञान दिया है और ये कुछ तो अलग सा व्यवहार इसने किया है, वो परमेश्वर का उसने आदर करते हुए उस ज्ञान के फल को देखने के लिए वो सुलेमान के यहाँ पर आई थी, ओके, तो वो पुराने नियम के लोग, परमेश्वर का आदर करने वाले लोग जो भी होंगे वो लोगों को कम पनिशमेंट होगी, जितनी अभी के लोगों को अगर यीशु मसीह उद्धार करता है कहो और वो लोग नहीं मान रहे हैं, अभी भी पाप के ही रास्ते में रुके रहना चाहते हैं, उन लोगों की पनिशमेंट बहुत ज्यादा भारी होगी। जब उद्धार करता, समझो उद्धार पुराने नियम वाले लोगों को नहीं था, फिर भी उनको वो पनिशमेंट कम रहेगी,
ओके, और उद्धार अभी है यीशु मसीह का, और वो लोग नहीं स्वीकार रहे, तो इन लोगों की पनिशमेंट वो पहले वाले लोगों से ज्यादा भारी रहेगी। आया समझ में? क्योंकि पहले वाले लोगों ने कम से कम परमेश्वर को सुनते हुए आदर किया और उसके कामों को देखने के लिए चलकर आए। आया समझ में? तो कार्य किए हुए लोग, कृतियां किए हुए लोगों को पनिशमेंट कम होगी, लेकिन माफ करने के लिए रास्ता मिला है फिर भी नहीं मान रहे वो लोग, इन लोगों की पनिशमेंट बहुत ज्यादा भारी होगी। ठीक है, आगे देखेंगे। शरीर का दिया, 33 वचन, कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाला उजियाला पाए। इसके लिए हम लोगों को यीशु मसीह में आने के बाद में हमारे सारे कामों को ऐसा हम पवित्र वचन को पढ़ते पढ़ते करना है कि हम यीशु मसीह मार्ग सत्य जीवन हमारे अंदर से दिखना चाहिए। ओके, 34 वचन, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए अब जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। आंख दिया तेरी आंख है, आंख अगर हम ऐसा बोलेंगे कि ये हमारे शरीर की आंख है। ओके, अगर हम शरीर की आंखों की बात करेंगे तो ये सिर्फ हमारे शरीर से लिमिटेड है, हमारा शरीर इसके आधार पर है, हम आंखों से देखते हैं और हम अपने शरीर के व्यवहार को आसानी से करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ वो आंखी के बारे में नहीं कहा है, ये आत्मा के विषय कहा है। अगर हमारा आत्मा उद्धार पाया, यीशु मसीह को ग्रहण किया है, पवित्र यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण किया है, पानी में डुबकी लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, और हमारा आत्मा अब परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के आत्मा के साथ कनेक्ट हो गया है, फिर वो आंख, उसको वो आत्मा को आंख कहा गया है, शुद्ध किया गया आत्मा को क्या कहा है, फिर आंख कहा गया है। वो आंख अब क्या है, उसमें निर्मलता है, पवित्रता है उसके अंदर, और वो कारण से हमारा सारा जीवन पृथ्वी का व्यवहार पवित्रता में हम कर पाते हैं। ओके, हमारे अंदर अंधेरा रुक नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन अगर वही आत्मा के अंदर बुराइयां हैं, अगर वही आत्मा के अंदर अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, बुरी आत्मा है, तो हम पूरे शरीर में चाहे कितने भी 10% अच्छा काम कर रहे होंगे, फिर भी वो 100% हम बुराइयों में गिनती किए जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा या बुरा हमारे आत्मा के आधार पर है। हमारा आत्मा परमेश्वर के आत्मा से भरा है तो हम निर्मल है। ओके, अगर हमारा आत्मा अगर उद्धार पाया नहीं पाया हुआ आत्मा है, तो वो लोगों के अंदर का जो आत्मा है वो उसमें कौन बैठा है, फिर दुष्ट आत्मा, और दुष्ट आत्मा बैठा है तो उसके सारे व्यवहार क्या कहलाए जाएंगे, पाप के व्यवहार। चाहे वो 10 चीजें अच्छी करता होगा, लेकिन फिर भी वो 100% पापी कहलाया जाएगा। ओके, 35 वचन, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। यानी हम जो आत्मा के अंदर अब प्रकाशित हो चुके हैं, हम आत्मा के अंदर जो परमेश्वर के आत्मा को पा लिए हैं, अब उस जगह में जो उजियाला आ चुका है वो कहाँ पर फैल रहा है, हमारे प्राण में, हमारे ज्ञान बुद्धि समझ में, हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में, हमारे सोच विचारों में। ओके, वो उजियाला फैला हुआ है, और फिर हमारे शरीर के कृतियों में वो उजियाला फैला हुआ है। तो हमको ये ध्यान रखना है, ये उजियाला हमारे प्राण में से बहते रहना चाहिए। इसके लिए हमको हमारे प्राण के अंदर हमेशा चौकसी रखना है, हमारे हृदय के अंदर के बातें शुद्ध रखना है, कपट रहित रखना है, हमको बिल्कुल भी कड़वी जड़ उपजने नहीं देना है। हमारे मन के अंदर, सोचों के अंदर, कल्पनाओं के अंदर, हमारे
हर एक व्यवहार हमारा उस प्राण के अंदर जो यीशु मसीह का आत्मा हमारा उजियाला बनकर हमारे प्राण में हमको उजियाला दे रहा है, वो उजियाला को लेकर हम पृथ्वी का व्यवहार कर रहे हैं, वो बने रहना है, वो छोड़ना नहीं है, उसमें चौकसी बनी रहनी चाहिए, उसमें बैरियर ब्लॉकेजेस नहीं आने देना है। ओके, नहीं तो क्या हो जाएगा, हम मसीह तो है लेकिन हमारा प्राण उजियाला प्राप्त नहीं कर रहा है, और उजियाला ना मिलने की वजह से वो अब क्या करने लगा है, मांस और लहू के फंदे में से, उसके इंस्ट्रक्शंस में से सब कुछ बुराइयों को, अंधेरे को उपजाता जा रहा है। ओके, यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपने चमक से तुझे उजाला देता है। ओके, तो हमारा शरीर पूरा उजियाला होना है, उसका कोई भाग अंधेरा नहीं रखना है, कोई भी भाग, ना बातों में पाप रखना है, ना भावनाओं में पाप रखना है, ना व्यवहारों में पाप के रास्ते रखना है। हम मांस और लहू का आधार लेकर ना चलने वाले लोग होना है। हम परमेश्वर का जो वचन का हमको ज्ञान मिला है उसी के आधार पर हमारे रास्ते चलते रहना चाहिए। ठीक है, ये कारण होगा कि हम दिया जो पूरी चमक में उजाला देता है उस तरह से हम रहेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, हम मसीह तो है लेकिन क्या होता है, 10% हम थोड़ा भटके हुए लोगों जैसा, अंधेरे लोगों जैसा बिहेव्स करते हैं, बर्ताव करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, वो 10% वाले एरिया में कहीं तो हमने क्या किया है, पाप का रास्ता चला है, कहीं तो हमारे मांस और लहू का इंस्ट्रक्शंस हमने फॉलो किया है। ओके, मांस और लहू में कौन सा इंस्ट्रक्शंस है, कौन सी सूचनाएं आती है, वो पाप की सूचनाएं आती है, और वो पाप की सूचनाएं कौन सी है, भले और बुरे ज्ञान की, और भले और बुरे ज्ञान की सूचनाएं का बीज क्या है, कड़वाहट, और वो कड़वाहट के जो जमीन है वो क्या है, कपट वाला हृदय। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को ये सारा एरिया ऑफ लाइफ, हम इसमें से अलग हो जाना है, उसमें सेल्फिशनेस रहता है, खुदगर्जी होती है उसमें। मांस और लहू का ग्राउंड क्या है, मिट्टी क्या है, खुदगर्जी, स्वार्थीपन। सोचा आपने सही ढंग से, मांस और लहू का जो जमीन है क्या है, उसके अंदर स्वार्थीपन है। ठीक है, तो अगर हम स्वार्थीपन अगर कहीं पर हमारे अंदर हमने रखा होगा, तो वो एरिया ऑफ लाइफ हमारा पाप का रास्ता चलेगा, वो प्रकट होगा, दिखेगा लोगों को। समझ में आया, वो दिखने की वजह से वो भाग आप कैसे दिखाई देंगे, बिल्कुल आपके ऊपर छापा लग चुका है मसीही बनने का, मसीह बन गए हैं आप, लेकिन ये एक भाग है जहां से आप क्या किए हैं, अंधेरे को रास्ता रखा है, और वहां पर आपके पवित्रता के काम नहीं दिखाई दिए, फिर आपकी निंदाएं हो जाती है, देखो मसीह है फिर भी व्यवहार देखो उनका कैसा है। ओके, इस तरह से हमारा हर एक भाग अंधेरे से दूर रखना है हमको, पाप से दूर रखना है हमको, पवित्रता के ही सूचनाओं के ऊपर चलना है हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चैलेंजिंग है, ये चैलेंजिंग है, और ये मेहनत का काम है, ये हमारे ऊपर रखा हुआ बोझ है, हमको ये चलना है। ठीक है, शास्त्रियों और फरीसियों की भर्सना, और यही कारण है माय फ्रेंड्स, यही कारण है हम अगर लोगों को देखते हैं, बहुत बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज में लोगों को देखते हैं, तो क्या होता है उनके पास, यही होता है कि उनके हर एक भागों में से अंधेरा निकलता गया, खत्म होता गया, उखाड़ दिया गया, और अब क्या हो गया है, पूरी तरह से परमेश्वर का आत्मा फलदायी होने लगा है उनके अंदर से। ओके, इसके आधार पर आप दिखाई देते हैं, आप 30% फल दे रहे हैं, 60% फल दे रहे हैं, या 100% फल दे रहे हैं, इसके आधार से आप पता चलता है, और गुनगुना मसीह पता चलता है कि आप पाप के रास्ते भी चल रहे हैं और पवित्रता में भी चल रहे हैं,
मिक्सचर लाइफ चल रहे हैं, तो आप में ज्यादा धुन नहीं रहेगी यीशु मसीह की। ओके, आपको बोरिंग लगेगा कुछ समय यीशु मसीह, फिर आपको लगेगा ठीक है चलो अब क्या है, धर्म जाति जैसे रहता है वैसे ही यीशु मसीह है, तो हमको तो पीछे चलना ही है, मरने तक पीछे चलना है, थोड़ा पाप भी कर लो, थोड़ा पवित्रता में भी चल लो, चलो मिल बांट के चलते रहेंगे। तो ये गुनगुना अवस्था यीशु कहता है मैं अपने मुंह में से थूक दूंगा। ओके, उसको वैल्यू नहीं रखा है यीशु मसीह ने, आपको ये रास्ते में वैल्यू नहीं मिलेगा गुनगुना अवस्था में। ओके, कभी कभी आप बहुत बार आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे चर्चेस में आप देखेंगे कि आप वचन बोल रहे हैं पास्टर साहब, और क्या हो रहा है वहां से, लोगों लोग उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, इतने ठंडे पड़े रहते हैं कि हालेलुया तक उनके मन के अंदर से मुंह जुबान से नहीं निकलता है, ना ही उनके हाथ ऊपर होते हैं थैंक यू जीसस कहने के लिए। ओके, और वो मन के अंदर क्या सोचते हैं, ऐसे मांस और लहू का इंस्ट्रक्शन क्या है, मांस और लहू ने क्या सूचनाएं दी है उनको, शांति से बैठो, ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना, हाँ ज्यादा ज्यादा उतावले नहीं होना, शांत रहो। हाँ पास्टर साहब प्रचार कर रहे तो क्या हुआ, हमको भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना है, हमको धीरे धीरे शांति से रहना है। कम ऑन फ्रेंड्स, क्या इंस्ट्रक्शन सुन रहे हैं, जिसके अंदर जीवन नहीं है, मांस और लहू आपको जीवन नहीं देगा, आप उसकी सुन रहे हैं, जबकि आत्मा उछल कर आ रहा है आपके अंदर से और चिल्ला रहा है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, आप उसको तुच्छ जानते हैं और मांस और लहू के इंस्ट्रक्शन को अपने ऊंचा बना के रखा है, ठंडे बैठे हैं, जबकि प्रचारक इतना प्यारा प्रचार कर रहा है, इतने जबरदस्त प्रचार कर रहा है, लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनको, मांस और लहू की सूचनाओं के आधार पर वो प्रचारक को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। फॉरगेट इट, मैं सच में कहती हूँ ऐसे लोगों के संगति में कभी नहीं बैठना, आप भी वैसे ही ठंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि आत्मा का जोश भारी भरकम गर्माहट होता है, ऐसा गर्माहट जो चटके लगेंगे लोगों को, हमारे आसपास के लोगों को चटके लगने लगेंगे, इतने जबरदस्त धुन रहती है जिनका मांस और लहू मजबूती छोड़ दिया रहता है, वो बिल्कुल क्रेजी दिखाई देते हैं, बिल्कुल क्रेजी दीवाने दिखाई देते हैं यीशु मसीह के। ओके, जैसा दाऊद था वैसा वो दिखाई देते हैं, जो वाचा का संदूक आने पर उसके स्थान उसके जगह में उसके एरिया में वाचा का संदूक लाने के वक्त में जैसा बेधुन हो गया था वो, और उसने जान लिया कि सच में ये मैंने इंस्ट्रक्शन फॉलो किया परमेश्वर का, और क्या मज़ेदार बात मेरे जीवन में हो गया, ये तो बिल्कुल ही अद्भुत अचंभित कर दिया है मुझे, ये जोश ही कुछ अलग रहता है, ये खुशी या आनंद को अगर आप दबा देंगे मांस और लहू के इंस्ट्रक्शन में, आपके जैसे बुद्धू मूर्ख इंसान और दूसरा कोई नहीं होगा फिर, अगर आप मांस और लहू के दायरे में ये इतना जबरदस्त पावरफुल प्रेशर जो परमेश्वर के आत्मा की ओर से जलजलाहट बन के आपके अंदर से आना चाहता है, अगर आप उसको ठंडा करते जा रहे तो आप, मैं और कुछ नहीं बोलूंगी। ओके, तो वो मूर्खता क्या कहे उसके विषय में, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ओके, मैं ऐसे लोगों के साथ बैठना नहीं चाहूंगी, और भले ही मैं अकेले रहते रहते मर जाऊं, लेकिन मैं ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल उठना बैठना नहीं चाहूंगी जो अपने मांस और लहू को प्रायोरिटी देकर परमेश्वर के आत्मा को क्वेंच करते हैं, ठंडा कर देते हैं। नो 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 नो, ये कभी नहीं करूंगी मैं। ओके, आगे पढ़ते हैं 36 वचन, इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। शास्त्रियों और फरीसियों की भर्त्सना। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेरे और दुष्टता भरी है।
ये है, इसको ब्रैकेट कर देना, ये है सीक्रेट, आपके सामर्थ्य घट जाने का सीक्रेट। ओके, अगर आपके सामर्थ्य को आप बनाए रखना चाहते हैं और सिर्फ एक लेवल पर नहीं, ऊपर के ऊपर लेवल और चढ़ते जाना चाहते हैं, आपको ये वचन बहुत भारी तरह से दिमाग में रखना है कि हम रिलीजियस नहीं बनना है। ओके, हम नियम और नियमावली और व्यवस्थाओं को रखते हुए उसके दायरे में हम नहीं चलना है। ओके, हमको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए कि हमारा मन शुद्ध रहे, हमारे मन कपट रहित रहे, हमारे मन के अंदर कड़वाहट की जड़ें ना रहे, हमारे मन की हमेशा सफाई होते रहे, हमारे मन की भली भांति चौकसी करें हम, हमारे मन को मूर्खता करने ना दे हम, हमारे मन के अंदर की कोई भी मांस और लहू की इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करने ना दे, बैठने ही नहीं देना है हमको अपने मन के अंदर मांस और लहू के इंस्ट्रक्शंस को, मजबूती पाने नहीं देना है। ओके, अब तब होगा ये कि हमारे सामर्थ्य बढ़ते जाएंगे, हमारी ताकत बढ़ती जाएगी परमेश्वर के अंदर, नहीं तो हम सिर्फ ऊपरी ऊपरी दिखेंगे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें और भीतर भीतर सब हमारे कपट भरी चीज़ें हैं और वो हमारे जीवन को खराब करते जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। 40-41 बॉक्स कर देना, आपको ये स्टडी बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि आपको कंटिन्यू सामर्थ्य में रहना है तो ये इसका सीक्रेट वचन है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं 42। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीना और सुदाब का और सब भांति के साग पात का दसवां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तो हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला था। अतः तुम गवाह हो और अपने बाप दादों के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनसे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यद्वक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाएगा। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया के हत्या तक, जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। ये सब यीशु मसीह के विषय कहाँ लिखा था? पुराने नियम में। और ये लोग कौन है? पुराने नियम के शास्त्री लोग हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं ये। ओके, और वो पुराने नियम की व्यवस्थाओं को संभालने का जिम्मेदारी है उनके ऊपर, और उन्हीं में से लिखी हुई बात है यीशु मसीह के विषय में। और फिर भी उन लोगों ने लिखी हुई बात होते हुए भी, उनके पास इतनी स्टडी होते हुए भी, उन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। ओके, और ना ही किसी और को उद्धारकर्ता ग्रहण करने दिया। ठीक है, और क्या करते गए वो?
उनको सताते गए, उनको मार डालते गए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये परमेश्वर का जो व्यवस्था है उसका अपमान कर रहे हैं, ओके। और पुराने नियम में ये नियम था, जो परमेश्वर का अपमान करेंगे उनको मार डालना है, ओके। तो अगर उनको पता चलता था कि ये व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर का अपमान करते हुए बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो इनको मार डालना पनिशमेंट है। तो वो ऐसे पनिशमेंट्स देते हुए आए हुए लोग हैं, ओके। और उनके बारे में कहा गया है कि तुम लोगों को पनिशमेंट देना आता है, तुम लोगों को तुम्हारे सीखी हुई बातों के ऊपर किसको कैसे पनिशमेंट देना है वो सब कुछ पता है, लेकिन तुम लोगों को यीशु मसीह के बारे में भी उसमें लिखा हुआ है ये नहीं मालूम है। और उतनी ही बात तुम लोगों ने छोड़ दिया है, और उतनी ही बात को अब तुम भूल गए हैं, उतनी ही बात तुम्हारे दिमाग में प्रकाशित नहीं हो रही है। बाकी पनिशमेंट के सारी बातें तुम लोगों को बहुत ही गहराई में मालूम है, ये उसका कहना है, ओके। अब आगे पढ़ते हैं 53। जब वह वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे और घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। लूका का 12 अध्याय